नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ अप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक आपसे बात कर रहा हूं आज कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हमको फ्री में मिलती हैं, मगर हम उनका लाभ नहीं लेते हैं। ऐसी एक चीज है जो हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ रिएक्शन करके यूवी अल्ट्रावायलेट जो बी किरणें होती हैं वो विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं। विटामिन डी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि विटामिन डी का काम क्या है। विटामिन डी सेल्स को, कोशिकाओं को इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है कि वे फास्फोरस का और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही ढंग से करें, जो कि हमारे हेल्दी बोन्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो विटामिन डी बहुत उपयोगी चीज है और ये फ्री में है, अबंडेंटली अवेलेबल है। मगर आप अपने आप से पूछें या हम अपने आप से पूछें कि हम कितनी देर के लिए सूरज की रोशनी में बैठते हैं, हार्डली कुछ सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसा बताया गया है कि विटामिन डी जब आप दोपहर होती है 11-12 बजे का जो समय होता है, यदि उसमें आप सूरज में निकलते हैं या बैठते हैं तो उस समय सबसे अधिक मात्रा में आप विटामिन डी ले सकते हैं, क्योंकि उस समय सूरज अपने पूरे यौवन पर होता है और उसकी जो किरणें हैं वो ठीक ढंग से आपकी कोशिकाओं को से रिएक्शन करके, कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करके विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकती हैं। विटामिन डी यदि हमारे शरीर में कम हो जाता है तो बहुत सारे उसमें रोग हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी। डिप्रेशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है विटामिन डी की कमी के कारण। तो सोचिए, विटामिन डी अबंडेंटली अवेलेबल है, बहुत फ्री में अवेलेबल है और ये हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर सूरज पूरी तेजी से चमकता है। आपने देखा होगा विदेशों से लोग आते हैं और आके जो हमारे यहाँ के जो बीचेस हैं, जैसे गोवा के बीचेस हैं, केरला है, तमिलनाडु है, जहाँ जहाँ भी बीचेस हैं वहाँ आके लेटे रहते हैं और विटामिन डी के रूप में सूरज को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसमें एक चीज और बताई गई है कि जो मेलानिन होता है, जिससे आपकी स्किन का कलर, जिससे आपकी स्किन का कलर डिसाइड होता है, ऐसा बोला गया है कि जो डार्क स्किन वाले हैं उनको विटामिन डी लेने के लिए थोड़ा अधिक समय के लिए सूरज में बैठना पड़ता है, बनस्पत उनके जिनके कलर फेयर है, जिनका कलर फेयर है, जैसे जो गोरे लोग हैं वो बहुत जल्दी उनकी कोशिकाएं विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और डार्कर स्किन वालों को कुछ अधिक समय के लिए विटामिन डी के लिए बैठना पड़ता है। तो ये था विटामिन डी का कमाल। कोशिश करिए कि हम सब सुबह जिस समय सैर करने निकलें, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में आप यदि थोड़ा सा लेट सैर करने के निकलते हैं जिस समय सूरज सर पर आता है, तो उस समय आप बहुत अच्छी तरह से विटामिन डी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल दूसरे टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।